ये देख लो गाइस, मेरी गर्लफिश सीधा जाएगी खर्रे के अंदर। ओ गाइस गाइस देखो, हम छह बोटे और इतने सारे मच्छा, और मेरे पास भी देखो कितने सारे मच्छा है। तो ये मच्छा कैसे पकड़िए ये जानने के लिए आगे वीडियो तक बने रहे। चलो लेट्स गो, वीडियो करते हैं। चलो गाइस देख लो, यहाँ पे सुबह के 8 बजे है। फाइनल देखो यहाँ पे मच्छी है, शायद मच्छी है क्या दाजी। ओ देख लो गाइस, कितना बड़ा रॉ फिश है। देख लो क्या खतरनाक रॉ फिश दिख रहा है गाइस। वो देखो कितना बड़ा रॉ फिश है, आपको एंड में राव फिश दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया। चाहे तो अभी देख लो डेमो उसका, एक बार दिखा दे पब्लिक को। मैं नहीं दिखा सकता, अरे दे चल कतला। तो यहाँ पे देखो बढ़िया किस फिश भी है, यहाँ पे कतला फिश भी। डर लग रहा है दाजी को राव फिश दिखाने के लिए, और बहुत ही राव फिश बढ़िया है गाइस। इसका थम तो बनना ही पड़ेगा, और आगे भी मच्छे गाइस, मच्छे है ना है। देखो गाइस इतनी सारे मच्छा कैसे पकड़े रहे हम, देख लो राव फिश है ये भी। नीचे मच्छी है क्या शायद है, एक साथ दो दो तीन तीन मच्छा रही है गाइस। इधर देखो, इधर मछुआरे भी है, इधर भी मछुआरे है। देख लो ये राव फिश कैसे कर रहे है, ध्यान सिखा रहे है। तो देख लो गाइस, ये देख लो राव फिश निकाल लिया है। पब्लिक को गुंडा लगाया था, देखो दाजी ने गलती कर दी गाइस। एक साथ दो दो मच्छा दिखाई, आपको भी बहुत नजर आचा दिखता ना। तो चलो गाइस आगे आपको दो दो तीन तीन मच्छा दिखाई देगी एक साथ। जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर छोड़ दो गाइस, इससे बड़े बड़े मछली के वीडियो लाते रहेंगे। अच्छा मिलते है गाइस। ये यूट्यूबर आने वाला है, ये बहुत नीचे पर है गाइस। और एक मच्छी आने वाली है गाइस, देखो आगे कौन सी मच्छी आने वाली है गाइस। और बहुत ही बढ़िया मिरगल फिश भाई, एक एक साथ दो दो रॉ फिश और मिरगल फिश। देख लो गाइस क्या नजारा है इसका। तो चलो मिरगल फिश को निकाल लेंगे, और ये रॉ फिश भी देख लो गाइस। देख लो गाइस ये राव फिश निकाल बाहर, इतना ही निकाल सकता हूं। अरे कार ने पापा कुड़े जाना रे ती, अरे जाते हैं एडीएम को कुछ ले। देखो गाइस ऊपर कर ले, हाथ में पकड़ ले एक बार। गेली रे जाओ जाओ, चला नहीं लागे। तो चलो गाइस एक मच्छी गवा दी है इस राव की वजह से। चलो अब उसको बहुत अंदर डाल दिया, हां क्योंकि आप ये आगे मच्छी है गाइस, ये देख लो। और ये गाइस मच्छी देखो टाइट है, मतलब मर गई है गाइस, अभी मरी है। और एक यूट्यूबर आने वाला है जो आया नहीं, वो यूट्यूबर आने के लिए आधा घंटा लगता है, तब तक हमारा काम हो जाता है गाइस। मेरे के लिए पड़े दोन तीन दिवंग शुक्र फुगले का रास्ता। आज लगता है राहु फिश या कतला फिश खाएंगे गाइस। राहु फिश बड़ा है मेरे पास, कतला फिश है ना मेरे पास, बहुत बढ़िया। तुम्हारा राहु गया है, साल मस्त पड़ेगा ना वे गाइस। मच्छी है नीचे है गाइस, मच्छी गेस कर लो कौन सी मच्छी है। और ये देखो बहुत ही शानदार मिरगल फिश मिल गया हमको। तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो यार, इसको ध्यान से सिखाने वाले हैं। देखो इसको कैसे निकालते हैं ये देख लो गाइस, आपको ही बहुत मजा आएगा। ध्यान से सिखाना जरूरी है, देख लो गाइस ऐसे हिलाने से मच्छी निकल जाती है गाइस। चली भी जाती है कभी कभी, तो ऐसे निकल हिलाते हिलाते ही पानी में गिर जाती है और सीधा भाग जाती है गाइस। कभी कभी होता है, पाँच टक्के होता है गाइस, वो 95% नहीं जाती, खाली 5% में जा सकती है। 95% नहीं जाती है। तो चलो देखते हैं तेजी के साथ आगे। तेजी के साथ नहीं देख सकते क्योंकि और मैं जाने वाली है। ये देखो गाइस ऐसी करती है मच्छी, गुटने के बाद जला जमा करती है, मतलब हम गूंज बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं हमको। ये नज़ारा देख लो गाइस, कितना सारा नज़ारा है। ये देख लो चारों तरफ जंगल ही जंगल है गाइस, ये देख लो।
और वहाँ पे देखो मच्छी है गाइस, मच्छी निकल रहे है, शायद आएगी मच्छी गाइस वहाँ पे। ये देख लो गाइस, रॉ फिश है गाइस, रॉ फिश बहुत टेस्टी होता है गाइस खाने में। मिर्गल से अच्छा रॉ फिश लो लो कभी भी, रॉ फिश या कतला फिश, मिर्गल उतनी टेस्टी नहीं लगती गाइस। तो देख लो गाइस, रॉ फिश निकाल रहे है फाइनली। चलो फाइनली रॉ फिश निकाल लिया है गाइस, जाला जाएगा नीचे या पैर पे है ऊंचा बना दूसरा है। देखो गाइस वो खरे और फुल होने वाला है अभी, 10 किलो मच्छा डाल देना उसके अंदर, फिर मच्छा नहीं बैठेगी गाइस। कम से कम कितनी मच्छा होगी वो, 50 किलो मच्छा होगी गाइस, 50-60 किलो मच्छा होगी वो। छोड़ो और आगे देखो, वो जाने दो, आपको एंड में दिखाई देंगे कितने सारे मच्छा पकड़ रहे हैं हमने। ये देखो गाइस, ओ भाई कितनी बड़ी मौसम मिर्गल फिश है गाइस। आगे मच्छे तो उठा ले, पब्लिक को दो दो मच्छे एक साथ दिखा दे, बहुत दिक्कत जाती है, दिक्कत नहीं जाती गाइस। ये देख लो दोनों हाथ में दो को पकड़ ले, आगे भी मच्छे शायद तीसरी। तो चलो ये देख लो गाइस, दो दो मिर्गल फिश। तो चलो आगे देखते है, इसको पहले निकाल लेंगे गाइस। छह बोटी जाला चाहिए बोल रहे, 6 बोटी का माल यहाँ पे बहुत है गाइस, 5 बोटी को नहीं मिलेगा, लेकिन 6 बोटी जो 10 किलो डालो ना, कम से कम 1 क्विंटल मच्छी निकल जाती है गाइस यहाँ पे। 10 किलो ही डालना खाली 6 बोटी, ये पूरे 6 बोटी के 50 किलो निकाले अभी 2 किलो जाले में। तो आप गेस कर लो 10 किलो जाले में कम से कम 1 क्विंटल मच्छी निकलेगी या नहीं गाइस, निकलेगी ना, निकलेगी भाई अगर जाले अच्छी कंडीशन में हो तो। चलो देखो गाइस मिर्गल फिश को कैसे निकाल रहे दादी हमारे, ध्यान से सिखाने के काबिल नहीं थी, ये ध्यान सिखाते सिखाते जाला फाड़ जाती गाइस, इसलिए इसको नहीं सिखाया। ये बड़ी है ना तो ये निकल नहीं पाती गाइस वैसे करने से, इसके बहुत भाई थे भाई, ये ऐसा गोप बांध दो ना जाले को खर्रे को, इसका बहुत फायदा होता है गाइस, गाइड बांधने की गरज नहीं पड़ती गाइस, और मच्छे भी ज़्यादा बैठ जाती है खर्रे में। तो चलो आगे वाला रॉ फिश निकालते हैं, ये देख लो पास में रॉ फिश थे, चल निकाल तेजी के साथ जाला, जल्दी जल्दी निकाल, आर बच के गए गाइस, जल्दी से जाले देखने के बाद फिर से रिटर्न को निकालने जाले गाइस, इसलिए बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं मच्छी, क्योंकि जाले अभी तक 4 किलो जाल रहे है गाइस। चल तेजी तेजी के साथ चल दे, आ गई गाइस मच्छी, कौन सी होगी गेस कर लो गाइस, मेरे को लगता है गाइस राहु फिश होगा, दो दो में फिश देख लो गाइस एक ही साथ में दो दो, ओ भाई कतला फिश और मिर्गल फिश गाइस, आप तो शेर ठोक दी चाहिए गाइस, शेर ठोक दो। ये देख लो गाइस जो छोटी मिर्गल होती है ना वो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो बड़ी होती है ना वो निकलती नहीं गाइस, वो सीधा फंदे फाड़ के निकलती है। तो चलो गाइस देखो आगे, बहुत ही मजेदार मच्छा फिश है गाइस, ये देख लो गाइस मिर्गल फिश सीधा जाएगी खर्रे के अंदर। ओ गाइस 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 ये क्या कर दिया गाइस, कम से कम 200 रुपए का नुकसान कर दिया हमारे दादी ने, और इतनी बड़ी मिर्गल फिश गमा दी है गाइस, क्या कहना गाइस क्या कहना है, 200 रुपए की मच्छी गमा दी गाइस, अभी तक 2 फिश गए गाइस, ओ राहु के बदले में 1 गया ना, आपको बड़ा राहु दिखाना था ना, तभी 1 और अभी 1 गई गाइस। तो चलो गाइस जाने दो, रिटर्न में मिल जाएगी गाइस, तो चलो देखते हैं गाइस, कम से कम 1 क्विंटल के आगे मच्छी मिलनी तो चाहिए इसको इनको, यतात यतात। वो उनके वाइफ को आवाज दे रहे, उनके वाइफ भी मच्छा पकड़ती है, उनका भी यूट्यूब चैनल है क्या, रुद्र गेम क्या है, रुद्र फिशिंग उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो गाइस। तो चलो गाइस मच्छी आ गए गाइस, शानदार मच्छी के साथ नज़ारा,
खूब फूते बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस। ये राव फिश देख लो, जिंदा फिश है गाइस। हम मरे वाली मछली नहीं दिखा दे गाइस। ये देख लो कितने फटफट कर रहे हैं गाइस। ये नीचे क्या है? ये पीछे थैली है गाइस, उसमें खरे खरे गाइस जाली निकालने के। आपला हेच खरे होता का जो मोरणाचा नव्हता? नाही, ते बारका होता। ते बारके होते याच्यावर। तो चलो गाइस चलते हैं तेजी के साथ आगे। और फाइनली बहुत ही बढ़िया मच्छी फिश आने वाली है। अभी मिर्गल फिश आएगी गाइस। मेरा गेस तो मिर्गल फिश का लग रहा है, लेकिन आएगी कौन सी मच्छी देखो गाइस। मिर्गल फिश या राव फिश आएगा? मिर्गल या राव ही आएगा गाइस। ओ भाई, ओ भाई, क्या गैस है। अरे पकड़, ये मच्छी नहीं है, ओ गाइस, ये एक साथ दो दो राव फिश और मिर्गल फिश मैंने बोला था ना। तो देख लो गाइस, दो ही मचाए गई है गाइस। राव फिश और मिर्गल फिश दोनों भी एक साथ। तो चलो गाइस, माशे मच्छी निकाल रहे हैं। मिर्गल फिश है गाइस, मटमट कर रही है। खाली 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है गाइस। मच्छी घायल हुई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत दे रही है। चलो डाल दे इसके खरे के अंदर और निकाल तुरंत तुरंत मच्छा। तू ही रहेगा है जाले देखने वाला। इन्होंने सुबह सुबह कतले का पर्दा लाया गाइस, वो भी फिश वीडियो देखने के लिए। उसको हम दोपहर को दिखाएंगे और उसका कंचन आपको सुबह आएगा गाइस। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिश आएंगे उसमें। कम से कम 5 के ऊपर ही होगा कतला फिश। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इतने बड़े बड़े कतला फिश होंगे गाइस। तो चलो गाइस, ऐसे ही फिशिंग से वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ठोक दो। देखो मच्छी 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 पे मच्छी मच्छी पे मच्छी। मेरे को तो लगता है मेरे पास नहीं आएगा कंटेनर, कानों के पास आएगा ही। तो चलो गाइस देखो, ये जाले खत्म होने वाले हैं अभी नवे, मतलब ये गाइस ये 700-800-900 रुपए किलो मिलते हैं। और जो आगे वाले जाले कम से कम 1000-1200 रुपए केजी मिलते हैं। और वो फटे वाले जाले गाइस इतने नए जाले होते ना गाइस थाईलैंड के, फिर है ना आग इधर ही नाव डूब जाती गाइस। इतने मच्छा मिल जाते 6 बोटी को। एक साथ आपने 2-2, 3-3 मच्छा देखे ना, एक साथ 5-5 देखते थाईलैंड के होते तो। हाँ, थाईलैंड बोलते ही मच्छियों को नानी याद आ जाती है मच्छियों की। कम से कम 3 किलो का पर है गाइस, 3 केजी का है। और ये थाईलैंड का पर है गाइस। तो चलो गाइस हम जाएंगे मच्छी आने के पास में। तब तक हमारी नाव नहीं भगी ना गाइस, इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है, मच्छी निकालने में टाइम लगता है ना। तो फाइनल देखो गाइस, मच्छी आ गई है पास में, आ गई है। बहुत ही बढ़िया मच्छी फिश है गाइस, आ गई, ले लो ऊपर उसको। मिर्गल फिश होगी भाई, बहुत बढ़िया, कम से कम 3 किलो की मिर्गल फिश होगी। नहीं गाइस, 1.5 किलो की मिर्गल फिश है गाइस। मेरे को लगा 3 किलो की होगी गाइस मिर्गल फिश, लेकिन नहीं गाइस। चलो डाल दिए इसके खरे के अंदर। क्या लगता है
कितनी मच्छी मिलेंगी जाले में? कमेंट में बताओ गाइस, आपको तो एंड में दिखाई दे जाएगी। वीडियो मत कट मत करना गाइस, एंड में बहुत सारी मच्छी दिखाई देगा आपको। थोड़े जाले फटे वाले हैं, लेकिन ये थाईलैंड के जाले गाइस, फटे वाले होना तभी मच्छी पकड़ देगा गाइस। दूसरे जाले की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन थाईलैंड बोलने के बाद है ना, भाग के पास आती है इसके पास। और देखो गाइस, राउ फिश नहीं गाइस, मिर्गल फिश, बहुत ही खतरनाक मिर्गल फिश गाइस। तो सब्सक्राइब ठोक दो गाइस, मच्छाई देखते रहोगे, वीडियो में बने रहो और सब्सक्राइब भी ठोक दो जाते जाते यार। देख लो गाइस, देख लो गाइस, आधे निकलने के बाद इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो जाती है गाइस, फिर या तो नहीं रुकती गाइस ये फिर ये बहुत दूर चल जाती है। लंबा सफर करती है, जब मौत के पास कोई भी आ जाए ना, एक बार मौत से छुटकारा मिल जाए ना, फिर आदमी वहाँ पे गलती करने नहीं जाता दोबारा। तो गाइस देखते हैं जाले बहुत ही तेजी के साथ। तो चलो गाइस, देख रहे हैं मच्छी कब तक आएगी दादी आगे। मच्छी आई गाइस, बहुत ही बढ़िया मच्छी फिश और राउ फिश है, देख लो गाइस, इसने दोरी कर दी गाइस मच्छा की। आपको लगता है मच्छा ईजी मिल जाते है गाइस, ऐसी दोर कर देती है जाले की, ये दोरी निकालनी पड़ती है गाइस। दोर बना दिया खाली दोर, तो इसको निकलने में दिक्कत हो दे गाइस। ये निकालते निकालते आप सब्सक्राइब ठोक दो गाइस, के लिए जाले लाने पड़ते है, ऐसे गोंद निकालने पड़ते है। तो देखो गाइस, मरने भी वाले लोग दो तीन लोग हम वहाँ पे ही रहते हैं डैम में, उसके आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब ठेव दो गाइस, वो सिंगाड़ा फिश, कतला फिश, राउ फिश, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगाड़ा फिश मिलते हैं गाइस। देख लो गाइस, फाइनली आ गई मिर्गल फिश, मिर्गल फिश नो गाइस, राउ फिश और मिर्गल फिश नो गाइस, दो दो राउ फिश एक साथ। गाइस यहाँ पे सर्दी होने के चांस ज़्यादा होते हैं गाइस, क्योंकि हम सुबह आते हैं 5:30 बजे, 5:30 या 6 बजे आते हैं पानी में। देखो वो मछुआरा आ रहा है इधर, आपको कैसा लग रहा है दादी एक बार पब्लिक को बता दो। मेरे को बहुत फिरा है, बुरा बुरा फील हो रहा है, मच्छा मर रही है, इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस। ऐसा बुरा फील कभी होने मत देना, और आप सब्सक्राइब जितना ठोक दोगे ना, मैं कभी कभी बहुत गलत काम करता हूँ, जब करना नहीं चाहता जब कर देता हूँ। देखो गाइस, और उसका मेरे को नुकसान उठाना पड़ता है। कि कौन सा गलत काम है पब्लिक को भी बता दो गाइस। गहरा वोट डाल के मैंने नुकसान कर दिया कुछ का, गहरा वो मतलब कतले के जाले डाल के इनको लगता है उनका नुकसान हो गया है, लेकिन दोपहर को जब इसको 50 या 60 किलो कतले फिश मिलेंगे तब नहीं बोलेंगे नुकसान हो गया मेरा। और वो राव फिश देखो, फुगा ले वाला ले आए इधर। तो चलो गाइस, ये देख लो गाइस, ऐसी मच्छी ना खरीदे मरी वाली, और जिंदा मच्छी खरीदे गाइस, अभी देखेंगे और तुरंत इसको भर के लेंगे जाले को। रिटर्न में भी बहुत सारे मच्छा मिलते हैं गाइस, लेकिन उनका कंटेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मच्छी देख लो राउ फिश छोटू सा, और इसको हम जीवन दान दे देंगे गाइस, और बहुत ही छोटू सा राउ फिश है देख लो गाइस। इसके लिए सब्सक्राइब ठेव दो गाइस, तो चलो देखते हैं आगे आगे कितने मच्छे मिलते हैं गाइस, एंड तक वहाँ तक देखेंगे। तो चलो गाइस देख लो राउ फिश गाइस, आपले कंचे बांधलेले आपल्याला कळत नाही म्हणजे वगैरे बाबा। देख लो गाइस, राउ फिश निकालली आहे,
वो गाइस देख लो रॉ फिश पानी के अंदर निकाल लिया तुरंत ही ऊपर, इतनी सारी मच्छा और इतना बड़ी रॉ फिश। तो देखो मछुआरे जाले निकल रहे उधर के, चलो हम भी जाले निकालते अभी और वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा और जाल निकलने जाते हैं गाइस। इस जाले में उतनी सारी मच्छा नहीं मिली गाइस क्योंकि वो जाले में ना आया था ना वो, और इसको कम से कम ये कितने एक वर्ष हो गया इसको, एक साल हो गया गाइस इस जाले को। तो चलो गाइस आगे मच्छी आ गई गाइस और राव फिश होगा गाइस, वो देख लो राव फिश है गाइस। तो चलो राव फिश को निकाल लेंगे खरे के अंदर डाल देंगे और इतने सारे मच्छा कैसे पकड़े ये भी दिखा देंगे आपको। तो आप देख ही रहे होंगे कैसे मच्छा पकड़ रहे हैं हम इतनी सारी। तो चलो 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 आगे चलो। ओ भाई मिर्गल फिश कितनी बढ़िया और कितनी खूबसूरत, इसका नज़ारा क्या है गाइस, इतनी खूबसूरत मिर्गल हमारे दादी क्यों निकाल रहे हैं। ये देख लो गाइस आगे मच्छी खींच रही है, नहीं खींच रही है लेकिन आगे मच्छी है गाइस। ये देख लो पास में देख लो मिर्गल फिश, मिर्गल फिश कटिंग के वीडियो भी आपको आएंगे, मिर्गल फिश के फ्राई कैसे बनाते वो भी आएंगे। मिर्गल फिश 5 किलो के होते खाएंगे हम, नहीं खाएंगे ना। मिर्गल मेरे पास में कम से कम 3 किलो के गाइस, 3 के ऊपर के मिर्गल नहीं है मेरे पास, वो खाएंगे फिर बड़ा। कतला भी है गाइस बड़ा। तो चलो गाइस आगे देखते हैं। तो चलो गाइस आज हमारे दादी हमारे को बना के मच्छी खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे, आप जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो गाइस, मच्छी आपको खानी है। तो चलो दादी देख रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ, कालूशी फिश आपको दिखाई देगा मिलने के बाद, अभी तक मिला नहीं है गाइस क्योंकि उनको अभी जाले निकलने हैं बहुत ही तेजी के साथ प्रचंड वेग से। चलो मच्छी निकाल लो जल्दी से, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। अरे गाइस कब तक जाऊंगा मैं वहाँ पे, लगता है फाइल मच्छी आ गई गाइस और बहुत ही, ओ भाई आ गए गाइस, छोटा सा कतला फिश है कम से कम 3 पाव का या किलो का होगा गाइस। तो चलो चलते हैं उनके पास, तब तक निकालेंगे वो किलो का पतला फिश को निकाल लिया गाइस, दूर से आपसे छोटा दिख रहा होगा। चलो तेजी के साथ देखो जाले, अभी एंड में आने वाला है गाइस, जाले खत्म होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक बने रहे, आगे बहुत सारा बढ़िया कतला फिश भी मिल सकता है, कम से कम 8, 10 या 15 किलो का भी मिल सकता है गाइस। 15 किलो का कतला देखना है ना, तो एंड तक बनना रहना है ना, बनाई रहना पड़ेगा वीडियो पे गाइस। मेरे को 6 बोटी में कम से कम 9-10 किलो का कतला मिला है गाइस, ये आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो चलो मछुआरे निकल रहे जाले, तो चलो और ये कौन सी मच्छी है कमेंट में बताओ गाइस, कौन सी मच्छी है गाइस। ये चिलापी फिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने के लिए, इसको छोड़ देंगे छोटी सी है और 6 बोटी में घुंडल गई थी गाइस, मुंह में उसका फंदा अटक गया था शायद, और फाइनली एक ही टुकड़ा रह गया गाइस और बहुत ही बढ़िया फिश आने वाला है। यहाँ पे कतला फिश आएगा गाइस, नहीं यार रॉ फिश आ गया गाइस। तो चलो रॉ फिश को निकाल रहे, तुला भी खरा लागन, तुला भी खरा लागन ना, मोटा खरा करियो गाइस, मोबाइल पकड़ते पकड़ते हाथ गलने वाले हैं, शायद मोबाइल ना गिर जाए पानी में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग।